आप प्रिंस हो पर प्रिंसेस बने हो यार बेटा, ढाई बज गए यार, दिल तोड़ दिया तूने मेरे। जा। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो यहाँ पे मेरी मॉर्निंग हो चुकी थी और आज मैंने एक ब्राउन कलर का ड्रेस वेयर किया था जो कि मेरी सिस्टर को बहुत पसंद आ रहा था। उनने कहा क्यों ना मैं आप लोगों को भी एक लुक दे देती हूँ, तो यहाँ पे मैं ब्लॉगिंग में पूरे आप लोगों को एक लुक दे रही हूँ। तो आप मुझे बताना मैं आज कैसी लग रही हूँ। बस थोड़ा सा लुक है, तो मेरी सुबह का टाइम तो मुँह थोड़ा सा सड़ा हुआ था बिकॉज मैं अभी थोड़ी सी परेशानी में चल रही थी और मैं ज़्यादा अभी सैड वुड नहीं होंगी क्योंकि जो होगा अल्लाह भरोसे होगा। और जो भी आपको बताऊँगी मैं लास्ट में कि मेरे साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, सेकेंड प्रेगनेंसी में बहुत बड़ी बात हो रही है, बस यही बता सकती हूँ कि कुछ अच्छा भी होगा कुछ बुरा भी होगा, जो भी होगा खैर आपको बताती रहूँगी। यहाँ पे अरफान बहुत ज़्यादा घर गंदा कर रहा था तो आज मेरे को बहुत खाने का मन हो रहा था सलगम गोश्त, तो मैं खुद से बना रही थी अपने यूपी स्टाइल या अपने ससुराल के स्टाइल में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने सरसों का तेल गर्म किया है, उसमें सारे गर्म खड़े मसाले डाल दिए थे जो तो आपको पता है क्या क्या होता है, उसको अच्छे से चटकाया। और चटकाने के बाद इसमें मीडियम साइज के प्याज मतलब 5-6 मैंने ले लिए थे, उसको अच्छे से यहाँ पे मैंने डाल दिया और उसको फ्राई करूँगी। तो मुझे ज़्यादा सॉटे नहीं करना, उतना करना है कि हल्का हल्का प्याज ब्राउन हो जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा हल्का हल्का प्याज ब्राउन होने लगा है और इसमें मैं अब गोश्त जो है वो धो के डाल दूंगी। तो गोश्त ना अभी मैं इसको ऐसे इसलिए डालूंगी क्योंकि गोश्त को भी भूनना बहुत ज़रूरी है। तो सबके अलग अलग तरीके के होंगे पकाने का, मेरे इस तरीके का ही है। तो आप देख सकते हो मैंने अच्छे से अभी इसको भून लिया है, तो इसमें अभी धीरे धीरे और भी अभी भूनना है। तो उसमें मैं क्या क्या ऐड करूँगी वो बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी, तो यहाँ पर मैं 3-4 चम्मच लूँगी क्योंकि जितना इसमें फ्लेवर थोड़ा सा अच्छा ही आए क्योंकि गोश्त हमारा ज़्यादा है, तो उस हिसाब से मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने 3-4 चम्मच ही लिया। अब इसको अच्छे से मैं इसमें भूनूंगी और इसमें मसाले भी ऐड करूंगी जैसे कि हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक। ठीक है, ये 4 मसाले जो है मैं पाउडर वाले उसमें ऐड कर दूंगी और ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से भूनूंगी कि जितने भी मसाले हैं ना इस गोश्त में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। ये सारा खेल ना मसालों का, ये जितना हम अच्छे से भूनेंगे उतना ही टेस्ट अच्छा आएगा। अब मैंने इसको अच्छे से भूनने का कोई पानी इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि गोश्त में ऑलरेडी इतना पानी होता है, इसमें मैंने सीटी लगाने के लिए छोड़ दिया था। तो ये देख सकते हैं कितना पानी इसमें ऑलरेडी निकल चुका है बिना पानी ऐड किए। अब इसको मैं अच्छे से भूनूंगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पानी हल्का सुखा दिया। इसमें मैं डालने जा रही हूँ 3 मीडियम साइज के टमाटर और साबुत हरी मिर्च। इसको डालने के बाद गाइस ये डालना ज़रूरी है, अलग ही फ्लेवर आता है इसमें। तो इसको अच्छे से मैंने भून लिया टमाटर वमाटर को भी। अब इसमें मैं क्या नाम है शलगम ऐड करूंगी। शलगम के मैंने छिलके यहाँ पे पूरे अच्छे से छिलका उतार लिया था, उतारने के बाद इसको इस तरीके से छोटे छोटे पीस कर लिए थे। पीस करने के बाद आप देख सकते हो मैं इसको भून रही हूँ, तो अल्लाह का शुक्र हो गया अच्छे से भून लिया था और मेरे को बहुत मतलब क्रेविंग हो रही थी कि अभी खा लूँ अभी खा लूँ। तो यहाँ पे मैंने स्टीम राइस भी उबाल लिए, अभी आप देख सकते हो हल्का पानी डाला है और डालने के बाद मैंने सीटी लगा दी। तो सीटी लगाने के बाद की वाला लुक है और गाइस ऑसम वाला टेस्ट आया, माशाल्लाह मैं बता नहीं सकती कितना। मेरे स्टाइल में ज़रूर बनाना और मुझे ज़रूर बताना कि कैसा बना। तो यहाँ पे मैं ना बैठ करके गेहूँ थोड़ा सा साफ़ कर रही थी क्योंकि गेहूँ साफ़ नहीं हो रहे थे क्योंकि बारिश हो रही थी 3-4 दिन से। और ये ब्लॉगिंग जो मैं है ना ये कम से कम 10-15 दिन से थोड़ा थोड़ा बना बना के रख रही थी क्योंकि मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है गाइस इस टाइम पर। तो ये कम से कम ये थोड़े थोड़े ब्लॉगिंग है जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। तो अभी देखो मैं यहाँ पे क्या क्या बोलूँगी सिस्टर के साथ। तो ये देखिए मैं यहाँ पे इतना बोलूँगी मम्मी को, फिर मुझे ना गेहूँ साफ़ करना नहीं आता था, पहले करती थी तो मैं भूल चुकी हूँ बहुत सी चीज़, और कुछ अभी थोड़ी सी तकलीफ की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ मम्मी मुझे कर करके दिखा रही थी और बहुत कुछ बोल रही थी मुझे, मैंने कहा चलो जो बोलना है बोलो, मैं कर देती हूँ आपकी मदद। क्या कर रहे हो तुम माँ बेटी, खत्म हो जाएगा मौसम बेईमान हो रखा है, बारिश आ रही भैया 4 दिन से, इसलिए माँ बेटी लगी पड़ी है गेहूँ साफ करने में, सुखा नहीं पा रही। लेकिन घर पे ही सुखा लोगे ना मम्मी, सूख तो गया था बस इसको धुना नहीं सफाई। तो एक काम करते ना, मैं झाड़ू निकाल के इधर कोने में कचरा फेंक देते, तुम लोग फिर वो वाला जो गेहूँ वाला वो कर लेना। ठीक है, ठीक। हेलो एवरीवन, आई होप गाइस कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मामा अर्थ का लेमन एंटी डैंड्रफ ब्रश। सबसे पहले मैं बात करूंगा मामा अर्थ का लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू के बारे में, जो कि आप देख सकते हैं पैकेजिंग बहुत अच्छी है इसकी गाइज, इसमें लेमन है एंड जिंजर इंग्रेडिएंट्स हैं, तो आप इसे अपने हाथ पे लेकर के पूरे अपने हेयर्स पे अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। गाइज ये हेल्प करता है डैंड्रफ को रिड्यूस करने में एंड जेंटली क्लींजेस करने में।
एंड हेल्प करता है सूथिंग इची स्कैल्प में। तो गाइज अब मैं बात करने जा रहा हूँ मामाअर्थ का लेमन एंटी डैंड्रफ कंडीशनर के बारे में, जिसकी पैकेजिंग इस तरीके से बहुत अच्छी बॉटल है और येलो कलर है जो मेरा फेवरेट है, मैंने पहना हुआ भी है। गाइज इसमें लेमन है एंड जिंजर इंग्रेडिएंट्स हैं, तो आप इसे अपने हाथ पे लेकर के इस तरीके से अपने पूरे हेयर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। गाइज ये हेल्प करता है बालों को सॉफ्ट करने में एंड स्मूथ करने में एंड हेल्प करता है डैंड्रफ को कम करने में। गाइज मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड सेफ सर्टिफाइड है। गाइज मामाअर्थ इज प्लास्टिक पॉजिटिव एंड मामाअर्थ का ड्रीम है 2025 तक 10 लाख पौधे लगाने का, आप भी उनके साथ जुड़ सकते हैं। तो गाइज देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जल्द से जल्द जाइए और परचेज कीजिए। और हाँ आपके नियर बाई स्टोर पर भी अवेलेबल है। और हाँ 420% डिस्काउंट यूज बाई कूपन कोड खान 2023 ओनली एट मामाअर्थ वेबसाइट। प्रोडक्ट अवेलेबल एट मामाअर्थ, एमेजॉन, नायका, पर्पल एंड फ्लिपकार्ट। डाउनलोड मामाअर्थ ऐप नाउ। चलते हैं वीडियो की तरफ। काफी मतलब 2 दिन के पुरानी वीडियो है यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो मेरे को क्रेविंग हो रही है मैं वो सब खा रही हूँ। यहाँ पे मैंने मट्ठा मतलब मेरे घर से ससुराल से आया था छाछ पकोड़े जिसको बोलते हैं, मैं वो खा रही थी, इतना टेस्टी लग रहा था। उसके बाद मुझे फिर से क्रेविंग हुई तो फिर मैंने खाया यहाँ पे अंडा पराठा, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने मतलब वहाँ से अचार जो मिलता है वो चटनी, ये सब खाया। गाइस मैं क्या बता रही हूँ, इस टाइम पे मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही है खाने की कि अभी भी मैं इतने दिन की वीडियो देख रही हूँ ना तो अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा मन कर रहा है ये भी खाऊँ वो भी खाऊँ। उसके बाद मेरे को अभी मुझे फिर वापस से क्रेविंग हुई तो मैंने यहाँ पे पिज्ज़ा खाया। मैंने बहुत खाया है ये प्रेगनेंसी में, आप समझ सकते हो कि मैंने ब्लॉगिंग कम और फूड, अगर मैं कसम से अगर मैं चाहूँ ना फूड ब्लॉगिंग करूँ ना तो मेरा ज़्यादा वो चले, क्योंकि मैं इतना खा रही हूँ और मेरे हस्बैंड मेरे पे अभी ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हैं और ध्यान देने का भी बनता है गाइस, क्योंकि अभी मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं है क्योंकि डॉक्टर ने बहुत बड़ी बात बोल दी जो मेरे लिए अभी सुन के भी ना सुन के भी बहुत अजीब लग रहा है। बस मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि बस दुआ में याद रखना हमेशा। तो यहाँ पे मैं गोलगप्पे का पानी तो उतना नहीं पीऊँगी बट गोलगप्पे खाने का क्रेविंग हो रहा था तो मैं बस अपनी क्रेविंग को ख़त्म करूँगी। यहाँ पे मैं 2-3 ही गोलगप्पे या 2 ही खाऊँगी क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा था खाने का। तो गोलगप्पा खाने के बाद गाइस अब ये आज की वीडियो है मेरी जो मैं ससुराल जा रही हूँ। तो यहाँ पे अरफान जो है मम्मी का हाथ पकड़ के चल रहा था, बस अलहमदिल्ला ये अब खुद से चलने लग गया है। ये मैंने ना फ़ोन ना शॉर्ट में ले लिया था, ये मेरी मिस्टेक है क्योंकि इस टाइम पे ना मुझे, मैं कह रही हूँ ब्लॉगिंग से ज़्यादा मैं इस टाइम पे अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। तो मैंने सोचा कि जो होगा कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा फ़ोन को हल्का सा साइड से देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से रेडी हुई थी और ये मैंने कान की जो इयर रिंग पहने हैं ये मेरी शॉर्ट में आज मैंने अपलोड कर दिया था, मैंने ये वाला इयर रिंग खुद से बनाया है। तो गाइज अभी मैं खुद से कुछ ना कुछ क्राफ्ट कर लेती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ ना कुछ तो आता ही है। आप देखिए सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। गाइज मैं अभी ससुराल पहुँच चुकी हूँ और पहुँचने के बाद मैं अपने रूम में आ चुकी हूँ। यहाँ पे अरफान के पापा खेल रहे हैं, खेल मतलब अरफान के पापा टीवी का लगाने का जुगाड़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक टीवी का बोर्ड था वो टूट चुका है, क्या हो चुका पता नहीं, तो कुछ प्रेस वेस से ही तार वगैरह निकाल रहे हैं। खैर जो भी हो अभी मैं आ गई हूँ, ये मेरी प्रेगनेंसी में फर्स्ट जैसे आप बाहर का सफ़र बोल सकते हो जो मैं अभी कर रही हूँ। वैसे डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल अलाउ नहीं किया है, सेम वही प्रॉब्लम हो रही है जो अरफान के टाइम पे मुझे हुई थी, ऊपर के अरफान से ज़्यादा ही हो रही है। जैसे कि मैंने बताया था कि मुझे हल्के हल्के डॉट्स आने स्टार्ट हो रहे हैं, बट डॉक्टर ने क्लियर कह दिया है कि हम इतना मतलब वो नहीं ले सकते। खैर जो भी होगा मैं आपको बता दूँगी, बस दुआ करना कि सब ओके ओके हो। बस डॉक्टर ने क्लियर कह दिया है कि ज़्यादा हम उस इतना आपको वो नहीं कर सकते, मतलब क्लियर क्या बोलूँ गाइस, बोलने में भी बहुत अजीब सा फील हो रहा है। तो मैं बता देती हूँ, डॉक्टर ने कह दिया है कि आपका कच्चा पक्का भी हो सकता है, या तो आपका मिसकैरेज भी हो सकता है या नॉर्मल जैसे अरफान के टाइम पे कह दिया था, पर अरफान से ज़्यादा है इस टाइम पे मुझे। अगर ये 3 मंथ से ऊपर अब थोड़ा सा हो गया रुक गया, यानी 4th मंथ 5th मंथ तक आपका रिक्स है, और अगर उसके बाद अगर आपका नॉर्मल है तो आपका ठीक है बेबी, नहीं तो कोई अभी चांसेस नहीं है। मम्मा का फ़ोन आ रहा मेरी, तो अभी ससुराल में इसलिए आई हूँ क्योंकि अरफान के तबीयत बहुत ज़्यादा अभी ख़राब थी तो इनके बड़े अब्बू नहीं आ पाए तो मुझे आना पड़ा,
और यहाँ बहुत टाइम भी हो गया था, मैं नहीं आ पाई, और मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में भी जा रही थी इस बच्चे को लेकर के, क्योंकि सेम वही पहले जैसा हो रहा है और अरफान से ज़्यादा ही इस टाइम पे मुझे प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर ने बिल्कुल ही रिस्क लेने से मना कर दिया है, बोला है कि अगर बेड रेस्ट, बिल्कुल बेड रेस्ट हो जाओ आप, सिर्फ वॉशरूम वगैरह के लिए जाना, और बस ज़्यादा अगर आप वेट उठाओगे, कुछ काम वाम करोगे तो आपको मिसकैरेज हो सकता है। तो बहुत टेंशन में हूँ, तो मन भी बहुत ज़्यादा मेरा वैसा था, तो घर वालों ने भी कहा कि मन डाइवर्ट करो, थोड़ा जाओ। तो बस गाइस, मेरा ना अभी मतलब मेरा जो पढ़ना है ना, कुछ इस तरीके का है, बट खैर बस आप लोगों की दुआ है, और आप लोग हमेशा मेरे लिए दुआ करते भी हो, तो बस ऐसी दुआ करना, और हैप्पी रहना, खुश रहना, और मेरी ब्लॉग में ऐसे बने रहना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।